2. चिंटू के बच्चे, तू हवाई जहाज की तरह गाड़ी को क्यों उड़ा रहा है? विशाल, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझसे तमीज से बात क्या कर। ए विशाल, जबान मत लड़ा, नहीं तो क्या बे? चल जा, छोड़ रहा, जा चल। अरे यार, कोई मुझे बताएगा कि इस घर में बाप कौन है? ए मारी भाई, तुम दोनों फिर चालू हो गए। अरे रुकू, तुम इसे सलीखा सिखा के क्यों नहीं रखती? मैं भी यही बोलने वाला था पापा। अरे अरे ने रुकू, भले ही चिंटू कितना भी बदतमीज हो, लेकिन ये जब पापा बोलता है ना, तो दिल को सुकून मिलता है यार। बेटा एक बार फिर से बोल। पापा। एक बार और। पापा। अरे रे 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 रे। एक बार और चिंटू। पागल हो गया। तेरी तो। अरे। अरे जाओ तो नानो है। ये कोई गाड़ी है जिसका नाम नानो है? अरे मेरा मतलब है नानो, मतलब तिंदर मिंदर है। और तिंदर मिंदर मतलब? अरे तिंदर मिंदर मतलब अभी वो छोटा है। अरे यार रुकू, तुम महाराणा प्रताप के जमाने की राजस्थानी में क्यों बात करती जो मेरे पल्ले नहीं पड़ती? सीधे सीधे बोल नहीं सकती कि वो छोटा है। विशु, क्या हुआ? विशु, ये इतना लंबा बाल तुम्हारे कपड़ों पर? हाँ, इतना लंबा बाल मेरे कपड़ों पर। विशु, मैं तो तुम्हारे गले भी नहीं लगी, फिर ये बाल तुम्हारे कपड़ों पे कैसे आया? ये बाल तो सिमरन का है। हाँ रुकू, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये बाल कैसे। समझ गई? हाँ, देखो पंखा चल रहा होगा और बाल उड़ के आपके कपड़े पे आ गया होगा, है ना? ऐसे ही हुआ, मैं भी यही सोच रहा था, ऐसे ही पंखा उड़ के आ गया होगा। पर विशु, ये तो भूरे भूरे कलर का बाल है, मेरे बाल तो काले हैं। हाँ, तुम्हारे बाल काले हैं, अब मैं क्या बोलूं? अरे हाँ, ये तो जरूर मम्मी जी का बाल होगा, बिंदी लगा के पूरे भूरे बाल कर लिए। क्या सोचती हो तुम, क्या क्या आइडिया आते हैं जो मैं भी नहीं सोच सकता। हाँ, ये मम्मी जी का ही बाल है। मैं इतनी समझदार नहीं होती ना, तो पता नहीं तुम कहाँ होते। अरे तुम इतनी समझदार नहीं होती तो मैं हॉस्पिटल में होता। हॉस्पिटल? हाँ हॉस्पिटल में, मतलब रुको, तुम इतनी समझदार हो, मेरे खाने पीने का, मेरे बॉडी का इतना ख्याल रखती हो, तभी तो मैं इतना फिट हूँ ना, वरना मैं तो बीमार होके हॉस्पिटल में पड़ा होता। भगवान करे तुम हमेशा ऐसे फिट रहो। एक बात बताऊं? क्या? आई लव यू। अरे हरिने जी, लव यू रुको, आई लव यू। रुकू विशु। ए विशाल, क्या कर रहा है मम्मी के साथ? अबे चिंटू के बच्चे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे रुको, क्या है रुकू? इसकी वजह से आज तक मैं बाप नहीं बन सका, दिन भर ही हमारे इर्द गिर्द घूमता रहता है, और रात को हम इसके सोने का वेट करते हैं, हम वेट करते करते सो जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोता। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपनी कमाई से इसका बेडरूम बना दूंगी। तुम कब से कमाने लगी? वो टीवी वाला शो आता ना, उसमें 5 लाख का इनाम है। तुम वो शो देखती हो? हाँ, उसमें ऐश्वर्या राय को साफ साफ दिखाते हैं, बोलते बताओ 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 कौन है, जल्दी SMS करो, हो जाएगा बैलेंस। अरे रुकू, उस शो में बेवकूफ बनाते हैं। इसमें बेवकूफ बनाने वाली क्या बात है विशु? बेचारी ऐश्वर्या को साफ साफ बताते और बोलते बताओ बताओ कौन है कौन है कौन है, जिनसे तुम्हारा बैलेंस शून्य हो जाएगा, जल्दी बताओ। अरे लेकिन उसमें जो SMS और कॉल रेट्स होते हैं, एक एक कॉल और SMS 40 रुपए का होता है। तो 5 लाख तो हम जीतेंगे ना विशु? 40 रुपए वो तो हमें वापस मिल जाएंगे। और वैसे भी विशु, कितने आसान सवाल तो वो पूछते हैं कि आमिर खान को साफ साफ बता के पूछते हैं, बताओ 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 कौन है, जल्दी SMS करो। और पता है लोग क्या क्या बोलते हैं? अरे ये तो धर्मेंद्र है, अरे कोई बोलता राजीव गांधी है, कोई बोलता ऋतिक रोशन है। लेकिन विशु, मुझे पता था कि वो आमिर खान है, और मैंने ढेर सारे SMS कर दिए।
रुकू, एसएमएस और कॉल करने वाले लोग भी इनके खुद के लोग होते हैं जो लोगों को उकसाने के लिए गलत जवाब देते हैं। अब वो लोग गलत जवाब नहीं देंगे तो हम कैसे जीतेंगे? सुनो ना, क्या कार? हाँ विशाल, कार तो होनी चाहिए ना, सबके पास कार होती है, हमारे पास भी होनी चाहिए। और वैसे भी तुम पिपला कंपनी के जनरल मैनेजर बन गए हो, तुम्हारे पास तो कार होनी चाहिए। मैं जनरल मैनेजर सिर्फ नाम के लिए हूँ, जनरल मैनेजर की सैलरी नहीं है मेरी। मेरा बॉस है ना, रोज कोई ना कोई नया इन्वेंशन करता है और फ्लॉप हो जाता है, और कहीं ना कहीं से लोग आते हैं, उसे पकड़ते हैं और धोकर चले जाते हैं। क्या विशाल, हाउ डिस्गस्टिंग! हमारे आजू बाजू सबके पास में कार है, एक हम अकेले ऐसे जो कभी बाइक से तो कभी ऑटो से ट्रैवल करते हैं। ओ कम ऑन, हमें कार चाहिए चाहिए चाहिए। देखो सिमरन, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंपनी छोड़ के कोई अच्छी सी कंपनी ज्वाइन करूँ, मगर मगर क्या? अरे मगर कोई अच्छी सी कंपनी होनी भी तो चाहिए ना। अरे जितनी अच्छी कंपनी है ना जो दवाइयां बनाती थी, वो खुद आजकल बीमारियां बना के बेचने लगी है। पहले वो बीमारियां बनाती है, फिर उन्हीं बीमारियों के लिए दवाइयां बनाती है, तभी तो उनकी दवाइयां बिकती हैं। ओह माय गॉड, सबके सब घटिया हैं, सबके सब। मगर क्या? मगर कोई अच्छी सी कंपनी होनी भी तो चाहिए ना जो कंपनियां दवाइयां बनाती थी। जिमी, तुम कहीं इनडायरेक्टली मुझे तो गाली नहीं दे रही ना? नहीं विशाल, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हें थोड़ी ना मैं कुछ बोल सकती हूँ, तुम तो मेरी जान हो। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है, तो चले बेडरूम में। क्या हमेशा बेडरूम बेडरूम, हाउ डिस्गस्टिंग। मैं तो इसलिए प्यार कर रही हूँ क्योंकि तुमसे कार मंगवानी है ना। I want car. क्या यार, तुम बेडरूम से फिर से कार आ गई। देखो विशाल, मुझे कार चाहिए, कार 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 चाहिए, हमारे पास एक कार होनी चाहिए। पता है मेरे डैड के यहाँ पर 6-6 गाड़ियाँ, 6-6। अरे वो तो कुछ भी ना, रोहतक में हमारे ताऊ की छोरी के यहाँ है ना 25-30 गाड़ी हमेशा खड़ी रह करी थी। क्या 25-30 गाड़ी? हाँ भाई, अरे क्योंकि उनका है ना मिठाई बनाने का कारखाना था। मिठाई बनाने का कारखाना है तो 25-30 गाड़ियाँ कहाँ से आएंगी बे? उनकी मिठाई है ना दूर दूर तक फेमस थी, इसलिए लोग है ना अपनी अपनी गाड़ी में उनकी मिठाई खाना आ करे थे, और 25-30 गाड़ी है ना हमेशा उनके यहाँ खड़ी रह करी थी। एक बात बता रमन के बच्चे, कार और कारखाना इन दोनों में कोई कनेक्शन है? अरे भाई तू भी एक नंबर का बावड़ा हो रहा, अरे दोनों में कार ही तो आवे है। पकाता है यार रमन, तू बहुत पकाता है। अरे भाई हो तो कुछ भी ना, रोहतक में मारे ताऊ की छोरी इतना पकावे थी, इतना पकावे थी, इतना पकावे थी कि पका करे थी। हाँ, और दूध की है ना रबड़ी बन जा करे थी। दूध की रबड़ी? हाँ भाई, और कुछ बनना रहा था तो मैंने है ना दूध की रबड़ी बना दी। मैं चलता हूँ, रुको रुको रुको, तुम रुको, मैं चलता हूँ, तुम रुको इससे पको, मैं चलता हूँ, तुम रुको इससे पको। हाँ हाँ, आते वक्त कार जरूर लेके आना, और सुनो कोई ब्रांडेड कार ही लेके आना। I want a category branded car, that's it, वरना घर मत आना, सुन रहे हो ना? भैया देखना, मेरी नई गाड़ी आएगी ना तो मैं बाहर घूमने जाऊंगी। अरे भाभी जी तो कुछ भी ना, घूमने तो मैं गया था रोहतक में अपनी ताऊ की छोरी के साथ। आपको पता है मैं उसके साथ गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठ के जैसे ही थोड़ी आगे गए ना तो मैंने पसीना आ गया, मैंने बोला भैन गर्मी लग रही है, तो उसने बोला बावड़े एसी से ऊपर कर ले, एसी चला रही हूँ ठंडी हवा आएगी। जैसे उसने एसी चलाया ना तो मन है ना ठंडक लगी, जाडा चढ़ गया, मैंने बोला रजाई दे दे, वो बोली बावली पूछ, गाड़ी में रजाई नहीं होती। मैंने जैसे कि उसे बाहर देखा तो देखा कि लोग बेचारे पसीने में लथपथ हो रहे हैं, गर्मी में बेचारे परेशान हो रहे हैं। मेरे से रहा नहीं गया भाभी जी, और मैंने कार के शीशे खोल दिए, और जैसे ही मैंने कार के शीशे खोले तो दोनों शीशों से ठंडक बाहर चली गई, और लोग बेचारे गर्मी की जगह जाडे से कांप रहे थे ऐसे। टेम्परेचर थोड़ी ही देर में 45 डिग्री से 5 डिग्री होगा, इतनी ब्रांडेड कार थी हमारे ताऊ की छोरी के पास। समझे आप, बस हो गया, वो तो कुछ भी ना चली गई।
आज तो वैसे भी कुछ ना बन रहा यार। सफाई कर रहे थे कि सफाई कर रहे थे? ओहो विशाल बाबू, माइंड योर लैंग्वेज, आप मेरे पर इल्जाम मत लगाइए। आपके केबिन में ऐसा है क्या जो मैं साफ करूंगा? क्या बाबू, इसमें पहले से इतना साफ है, मैं क्या साफ करूंगा इसमें? हैं, वो साफ है। लेकिन विशाल बाबू, सफाई से याद आया, क्या बात है, नई पैंट, नई शर्ट, नई टाई है, एकदम हीरो लग रहे हो। लेकिन वही पुराना ऑटो। अरे तू तारीफ कर रहा है कि ताना दे रहा है? अब जो मर्जी समझ लो। वैसे विशाल बाबू, आपका ऑटो में आना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे देखिए, प्यून हूँ लेकिन तीन तीन कारें हैं मेरे पास। अच्छा, एक मेरा दोस्त है जो कार बेच रहा है, आप कहो तो सस्ते में पटा लेता हूँ। नहीं यार घनश्याम, मुझे गाड़ी नहीं लेनी। अरे ले लो विशाल बाबू, सिर्फ 1,00,000 रुपए की है। हाँ जानता हूँ, 1,00,000 की गाड़ी, छोटी सी गाड़ी जिसमें फिट नहीं आऊंगा। अरे वो गाड़ी तो ऑटो से भी बुरी लगती है यार। अरे छोटी नहीं है, बड़ी गाड़ी है, ट्रक जैसी लगती है। 1,00,000 रुपए में फिर तो पुरानी होगी। अरे ऐसा लगता है जैसे आज ही शोरूम से निकली है, एकदम ठक्का। फिर ऐसा करते हैं कि देखते हैं। हाँ अगर अच्छी लगी तो लूंगा। हाँ हाँ लेंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल लेंगे। वैसे भी विशाल बाबू, दूसरे की गाड़ी और लड़की तो हमेशा अच्छी लगती। गाड़ी का पता नहीं खर्चा, लेकिन लड़की हमेशा। विशाल बाबू मैं थोड़ा कंफर्म सा हो रहा हूँ। कौन सा राउट? वो तो मैं समय आने पे ही बताऊंगा। क्या आप तो बस तैयारी कर लो। अब किस बात की? अरे गाड़ी लेने की, और क्या है, टेंशन में आ जाते हो आप गामे गामे। आप बैठो, मैं अभी बात करके आता हूँ अपने दोस्त से। मैं भी ना कभी कभी क्या भूल जाता हूँ यार, ऐसे इस घनश्याम से बच के रहना पड़ेगा। लेकिन गाड़ी लेने का आइडिया बुरा नहीं है। और ये रही तुम्हारी कार। मगर विशाल, ये कार फटीचर सी, पुरानी सी नहीं लग रही? डोंट टेल मी तुम सेकंड हैंड कार लेके आए। मैंने तुम्हें कहा था ना, एक ब्रांड न्यू एक्सपेंसिव कॉस्टली कार लेके आती। व्हाट हैव यू गॉट? तो ये कार बहुत एक्सपेंसिव है, बताइए कितने की है? कितने की है? 12,00,000 रुपए की। फटीचर खटारा गाड़ी के लिए 12,00,000 रुपए दिए? I can't believe you. अरे सिमी, ये कोई ऐसी वैसी मामूली गाड़ी नहीं है, ये शाहरुख खान साहब, हाँ ये शाहरुख खान साहब की सबसे पहली गाड़ी है। यही वो गाड़ी है जिसमें बैठकर शाहरुख खान साहब यहाँ वहाँ स्ट्रगल करने जाते थे। यही वो गाड़ी है जिससे बैठकर शाहरुख खान अपनी पहली शूटिंग पे गए। यही वो गाड़ी है जिसमें बैठकर शाहरुख खान सुपर स्टार बन गए। ये गाड़ी की कीमत 1,00,000 रुपए। 12,00,000 रुपए? मैंने 12,00,000 बोला, तुम 1,00,000 सुन रही हो यार? 12,00,000 रुपए की गाड़ी है ये। Anyways, जो कुछ भी है, मुझे एक राउंड दिलवाना प्लीज इस गाड़ी में, एक राउंड। लॉन्ग ड्राइव। आ जाओ। ओके। बिपका से ओह पीछे ना होगी। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्या बात कर रही हो? तो क्या हुआ? टेंटेन, आप यहाँ जाइए मैडम, मतलब विशाल, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है, तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, पीछे नहीं बैठना मुझे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये फटीचर गाड़ी क्यों उठा के लेके आए तुम? क्योंकि शाहरुख खान। अब इसमें क्या शाहरुख खान? क्या बन गया? हाँ मतलब याद आ गया, याद आ गया कि ये शाहरुख खान की गाड़ी है ना।
अब शाहरुख खान के बिजी डेज में उनके पास काम बहुत था लेकिन टाइम नहीं था, तो शाहरुख खान इसी गाड़ी के पिछली सीट पे नहाते थे, खाते थे, धोते थे, सोते थे और बिकॉज मेमोरीज अटैच्ड उन्होंने आगे का दरवाजा कभी खोला ही नहीं। क्या है कि बिना खोलने की वजह से आगे का दरवाजा जाम हो गया। लेकिन गौरी ने शाहरुख खान से ये कभी नहीं कहा कि आगे का दरवाजा खुलवाओ। गौरी हमेशा पीछे के दरवाजे से घुस के कूद के चलो विशाल। कम ऑन सिमरन, इफ गौरी कैन डू इट सो कैन आई। आओ बच गया। हो गया। सिमी, सिमी, ठीक हो ना? कैसी गाड़ी लेके आए तुम? सोचे तो घूमने जाएंगे, शहर को पूरा घूमेंगे, लेकिन ये तो गली के बाहर निकल के बंद पड़ गई। वो क्या है सिमी के शाहरुख खान की गाड़ी है ना, तो वो अब शाहरुख खान तो इस गाड़ी को चलाते नहीं, तो ऐसे रखे रखे इसका इंजन जाम हो गया। पता नहीं शाहरुख भी इस गाड़ी में बैठकर कैसे अपने शूटिंग पे पहुंचता होगा। ऑन छोड़कर ना इस गाड़ी का सब कुछ बसता है। अरे यही तो इसकी स्पेशलिटी है। मतलब क्या है कि शाहरुख खान कभी इस गाड़ी का हॉर्न बजाते ही नहीं थे, ऐसे मुंडी बाहर निकाल के चिल्लाते थे ए बाजो। बकवास मत करो, पकाओ मत मुझे। अरे शाहरुख खान की गाड़ी होने दो, आमिर खान की गाड़ी होने दो, किसी की गाड़ी होने दो, जब ये चलेगी नहीं तो ये हमारे किस काम की। मुझे लगा कि ये सुपरस्टार शाहरुख खान साहब की गाड़ी है, एंटीक पीस है, तुम्हें पसंद आएगी। मुझे एंटीक चीजें पसंद है, लेकिन इस फटीचर खटारा गाड़ी को मैं अपने घर में सजा कर रखने वाली नहीं हूँ। इसे घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या है कि मैं अभी जाता हूँ मैकेनिक के पास और इस कार को ठीक करा के लेके जाता हूँ। विशाल, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं घर जा रही हूँ। जोर लगा के सॉरी शाहरुख खान साहब। कसम पैदा करने वाले की साहब, ये तुम्हारा नाम है? नहीं, तकिया कलाम है, वही जो सबकी खबर रखता है। नहीं, अब्दुल मैकेनिक। अरे वो गाड़ी दी थी ना आपने, वही गराज से आया हूँ। ये लो आपका बिल। 40,000 रुपए, इतना खर्चा कैसे हुआ? कसम पैदा करने वाले की कैसे हुआ? अरे इसके पुराने मालिक ने इसमें केरोसिन डाल डाल के इसकी ऐसी की तैसी कर रखी थी। ऐसे क्या किया उसने? अरे सही कह रहा हूँ साहब, इसकी ऐसी की तैसी कर रखी थी उसने। इसका एक एक पार्ट जो है ना डुप्लीकेट है, और जानते हो इतना पुराना हो गया कि मार्केट में भी नहीं मिलता अभी। हाँ क्या है ना अब्दुल भाई, ये शाहरुख खान साहब की पहली गाड़ी। कसम पैदा करने वाले की क्यों फेंक रहे हो? क्यों फेंक रहे हो? आपको कैसे पता चला? कसम पैदा करने वाले की कैसे पता चला? शाहरुख खान के पास ये गाड़ी होती ना, वो कभी एक्टर नहीं बनता। ये मेरे तरह एक मैकेनिक बना होता। क्यों? अरे क्यों? अरे शूटिंग होती आज सुबह 9 बजे की, वो पहुंचता अगले दिन रात के 9 बजे, फिर एक्टर कैसे बनता? निकालो 40,000 रुपए निकालो। क्या निकालो 40,000 रुपए? अरे 40,000 रुपए का खर्चा करने से पहले पूछना चाहिए ना कि देखो साहब 40,000 का खर्चा है, बोलो गाड़ी बनाओ कि नहीं। कसम पैदा करने वालों की। अच्छा लो अभी पूछ लेता हूँ साहब, 40,000 का खर्चा है, बोलो ठीक करने का है कि नहीं? नहीं नहीं। मालूम था मेरे को कि नहीं बोलने का। अरे यार निकालो 40,000 रुपया निकालो। एक बात बोलूं साहब, ये खर्चा सुन के ना बड़ों बड़ों की हवा टाइट हो जाती है। नहीं मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओके नो प्रॉब्लम। क्या क्या चेक है?
चेक है? मैं चेक नहीं लेता। क्यों? अरे जो नई कार नहीं ले सकता है, उसके बैंक में पैसे हैं भी कि नहीं, मेरे को डाउट है। ओ अब्दुल, मैं पिपला कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। जनरल मैनेजर? तुम हो उस कंपनी के जनरल मैनेजर? हाँ मैं हूँ पिपला कंपनी का जनरल मैनेजर।